सके मामा ही हाँ नाना जी अब तुम्हारे हित के बात करब हम बोलो और भेज दो उदल को मेरे साथ में भेज दो उदल को मेरे साथ में और कर तुम्हें और मामा हमारे पुराने सूल ये हैं जैसे चच्चा हमारे बनारस के बड़े बुजुर्ग अगर वो कह रहे हैं कि हाँ उधर भी तो मैं अवश्य भेज दूंगा। देखिए भैया हम सगे मामा हैं हमारे ऊपर विश्वास नहीं है उन बनारस के तुर्को बहुत कुछ है कि खैर बुला लियो हो गया। हेलो तुम चले जाओ बनारस और चच्चा जी से कह दो तुम्हें बड़े भैया मोह भी याद करते हैं तो अच्छा है ये जल्दी का मामला है अगर बनारस जाएंगे काफी टाइम हो जाएगा कैसे फोन मिलाते हैं और चल कर तुरंत बुलाते हैं बुलवा लो आप अपना सिर लाइए। हाँ हेलो हेलो अरे चाचा जी कौन आपका गुलाम क्या काम बेटा आपको मोहब्बत में बड़े भैया हद तो याद कराने का काज करे बहुत अच्छा आ रहा हूँ बेटा आइए चाचा तुरंत आइए Yeah.
अरे चाचा जी सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आगे हिज्जत खैरियत थे सब अल्लाह ताला का शुक्र है। तुमने ऐसी बड़ी कव्वाली सुनाया कि तबीयत खुश हो गए चाचा जी। जो है बेटा आइए चाचा तुमको अंदर करते हैं। आइए अंदर आइए दरवाजे के अंदर आइए आइए आइए। अरे हमारे सरो बता रहे। अरे हमारे साथ हम इनके सारे हैं। हम आपको सारे को बहनोए हम सारे भी बहनोए हैं। हमें बनारस से बुला रहे का सबर आखिर ऐसी खास बात क्या है बेटा। आप तकलीफ नहीं देगा मैं सब कुछ बता भाई बेटा। अच्छा अच्छा सुनो मेरी बात को। अरे बेटा कोई गंगा नहाना पाप है चाचा। मैं ये नहीं कहता गंगा नहाना पाप है। ठीक है बेटा अगर मेरी सलाह लेना चाहते हैं तो सुनिए अल्लाह मैं बता रहा हूँ। बोलो चलो 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 चलो
देखे भैया आला का कहेंगे या खबर महलन मना हुए है। जो बताओ भैया जौन दुकानदार में आलम आवत है उनका तो सौदा मन ही खरीदता था, अगर मेहरुआ न्यायालय ना गए तो बेचारे भी साथी का करे। अब हम चले मछला के महलन धरे टेम्पर मछला तैयार करे म्याला खाते अब मछला न्यायालय गई है म्यालों धक्का मुक्की होई खटखट खटखट तलवार चली दिल में एक मरी जरूर अपना भात हेलो अरे हाटी आई से दूरा मांगी पहले बाबूल चुंदरी भाई आले बोल रे यही से दूरा के रे कान बाबूल छोड़ो बैठे से तुम्हार कंज हो हिया तो दो कदम बढ़े नहीं अहिया बिहार गीत गा रहे हैं अब ना गायो चलिए अब देखेंगे अरे रामा घर ही की माटी पीटी धनिया जंगल बीच रोवई जंगल बीच रोवई हो रामा ससुरे की मारी पीटी धनिया जंगल बीच रोवई जंगल बीच रोवई हो रामा जंगला से निकारी पा घिनिया तो मुखो चोखो पूछई तो मुखो चोखो पूछई हो सोहल गावे में जूठा तुम्हारी मौसी का लड़का होगा टूटे फूटे छपरा बड़ा बड़ा कमरा में कमरा तुम्हारी आखिर में नहीं लटक के लंबी लंबी मेहरियन को छोड़ो किहे बुढ़िया सिंगार खड़ी प्यार कर लो घड़ी तो घड़ी लंबी लंबी मेहरियन का छोड़ो किहे बुढ़िया सिंगार खड़ी अब यह बुढ़ियन में लगा लगा ऐसी है अब ना गायो अब की गाय कहां थी गुफाए अरे देखा है पहली ही बार आ साइकिल पे हाथी अभी का कोई जवाब ही नहीं रहेगा देखा है पहली बार साइकिल पे हाथी सवार तो दुनिया के बाहर का बात करने लगा चलिए चलिए और रेशमी सलवार कुर्ता फटा पड़ा और रेशमी सलवार कुर्ता फटा पड़ा रेशमी सलवार कुर्ता फटा पड़ा माई है बीमार मामा मरा पड़ा मरे को मनाओ कहा था मैं कहा हंसो मामा हंसो 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 हंसी हाँ हंसो हाँ भाई अरे हंसो बड़ा मुंह बना क्या मुंह नहीं निकला हाँ तुम्हारा मुंह बड़ा नहीं कर अच्छा हंसो मैं कह दो क्यों हुआ के रखे तो अरहरिया के रंग मेरवा मामा की से गाढ़े ना मामा की से गाढ़े ना जैसे बगिया का बंदरवा भैया ये हम ते कहे कि मामा हंसो हम कहे कि सही बात कौन अच्छी बात कहा तो भाई मामा खीर से कहने जैसे बगिया का बंगलवा हमको बंगलवा बना दे चलो कंजो नंबर तुम्हारे पहले लागी राजमहल है अगर राजमहल में कौन बैठी है अब सामने अलहदत्तू की रानी है इनके
अगर मैं भाभी मछला, देखिए भाभी मछला आपके सामने आती है और फिर जुल्हो से क्या बात करती है। अरे हजात कबारी
हमका थ्रो खवा दिए थे। अरे मामा, ये तो आपका भांजा है। बहुरियो यार बात बताओ, तुम कहतू है कि तुम्हारा द्यावर उधर तुमका बहुत माना था। हाँ मामा। अब बिना बताया तुम तो कोनो काम नहीं करता। हाँ मामा। आज ये काम कर रहे हैं, आज गढ़ बिठोर के ले जा रहे हैं मेरे देवर जी। हाँ नहीं मामा, मेरे देवर जी कहीं भी जाते हैं तो मुझसे बता करके जाते हैं। मामा तुम झूठ बोल रहे हो। अगर हम झूठ बोले झूठ तो लड़का भाई मर जाए। मामा। हाँ बहुरे देखो जाए, अस्तबल में घोड़ा घोड़ा सज रहे हैं, साहिब पोशाक पहने हैं, तलवा फेटा कटार डारे हैं, अम्याले जा रहे हैं। मेरे देवर जी। हाँ बहुरे अम्याले तुम हो चले। हाँ मामा। अगर तुम म्याला ना गए तो आते जाना, हमारी बहन को तो है। अरे नहीं मामा, मैं मेले उससे जाऊंगी मामा। हाँ बोले म्याला चले जरूर। हाँ मामा, हम कह जाए चले जरूर म्याले। हाँ मामा। मैं हूँ और आप हैं अवधेश, अवधेश भाई साहब जोरावर खड़ा की ओर से, और अवधेश भाई साहब के छोटे से बच्चे आर्यन, आर्यन की ओर से 11 रुपया है। धन्यवाद। क्या बताएं, मेरे मामा ने बताया है कि मेरे देवर जी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरे देवर जी कहीं भी जाते थे तो मुझसे बता करके जाते थे, और आज अचानक मेले की तैयारी। खैर कोई बात नहीं, चल के मैं अपने देवर जी से पूछती हूँ आखिर कहाँ को जा रहे हैं। और हाथ में त्रिशूल गले में सोने के हार रुपवा मनवा मोहकवा के माई सर पे सवा रुपवा मनवा मोहकवा माई सर पे सवा रुपवा मनवा मोहकवा हाथ में त्रिशूल भैया जोरावर खेड़ा की ओर से, और उन्हीं के छोटे से बच्चे आर्यन की ओर से 11 रुपया है। धन्यवाद। शुक्रिया। अरे घोड़े वाले सुन के तो ऐसा है, हमने घोड़े सजा दिया है और चुपचे घोड़े हमको भविष्य ये न मालूम हो के लोग मिले जा रहे हैं। ये बात सच है, भविष्य को मालूम हो गया तो फिर तैयार हो जाएंगे। अरे चीज करेंगे भाई, और तो मिले मिला जाना चाहिए। अरे भविष्य का जन लोग मिले जा रहे हैं। अरे वो महल में दरबार में आ जाएंगे। अरे भाभी का कहा पाछे मुड़ के देख देवर जी आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे भाभी हम हमेशा खुश रहते हैं। क्यों पर क्या बात कीजिए भाभी साहब, ऐसा है बड़ी भाभी माँ समान होती है, आप हमारी माता समान भाभी हो, और तुम्हारी खुशी में हम लोग खुश रहेंगे तो हम लोग क्या रोएंगे, और हम लोग कहीं जा रहे हैं जान स्वास्थ्य हम तो जावानी बात कभी नहीं करिए। देवर जी बोले भाभी आप कहीं जा रहे हैं। हाँ मैम, और ऐसा है आर्यन, आर्यन जोरावर खड़ा की ओर से, और आर्यन के भाई चौथा उदल के लिए 11 रुपया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग कहीं जाते हैं तो विनाश से बताए जाते हैं। देवर जी आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कहीं जा रहे हैं। भाभी समझाना कैसी बात करे भाभी साहब, हम लोग कभी न आपसे झूठ बोला है और न झूठ बोलेंगे, आपसे सच बता रहे हैं कि हम लोग म्याले जा रहे हैं। और आप हैं आर्यन, आर्यन जरूर खड़ा की ओर से, और आर्यन के फूफा उदल के लिए 11 रुपया दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ आप कहाँ जा रहे हैं। बताइए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सुनिए कैसी गंगा नहाने के लिए और जा रहे बिठूर और साथ बहाते